जेहि सुमिरत सिधि होई कन नायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई राशि शुभ गुण सदन कहूँ कहूँ ही बाचाल पंगु चढ़ाई गिरी बर गहन जासु कृपा सदयाल द्रव सकल कली मल दहन अनिल सरो रुहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन अकरौ सम मऊर धाम सदा क्षीर सागर शयन बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनि कर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो काल के सभी कलेवा है नहीं। शिव जी के छोड़ के वे महाकाल के भी काल सब लीला चलता है प्रभु का। अंतिम में वही महाप्रलय भी करते हैं और अपने स्वरूप में भी उसी प्रकार से जैसे आकाश डोरे में यह बा कुल लीला स्त्री के इतने शंकर जी ओढ़े बान और जहाँ तनी सा गर्मी लगा ठीक न एकदम इनमें कहीं भ्रम मत रखो। तो अभी सब जो व्यवस्था बा इनमें अब से भी भले से बहरे से मत कहो लेकिन अंदर से अब धनी बन जात जा। अब दरिद्र लेकिन जब दरिद्र अंदर से मनवे तब ने बहरे से तब ने वो धनी बनवे। धनी बने का अर्थ क्या बा कान मन बुद्धि और चित्त एकदम चारों स्थिर कर ले जा जने कहे कि हमेशा ही अवसर दे लें जहां से जागे ओइठना से सवेरा नहीं तो अगर 9 बजे तक सुतल बा है सूर्य बजे तो रात है बा है और अगर 3 बजे भोर में जाग गए तब है सवेरा ठीक ने ते अब देखें इतना बड़ा अहंकारी मदिरा पान करने वाला
भैंसा खाने वाला कुंभकर्ण, प्रभु उसको भी अपना परम धाम देते, क्योंकि उसने अपना जो वीर रस है उसको वह पूर्ण भाव के साथ निभाया। नहीं तब कुंभकर्ण तक बने में तो कितना युग लग जाए समझ सको ले। हाँ, तो प्रेम से भी उन्हें प्राप्त, प्रेम से तो प्राप्त कर जाला, नहीं तो ही तो परेशान करके जो है वैसा काम करता है कि उन्हें जिकरे कोनो इच्छा नहीं बन वह क्या में कि पड़ता यह ने। तो अब प्रेम में कितना सरल मार्ग बा कि प्रभु सब आपे के बाद व्यवस्था, इस शरीर से आपका सेवक है बा इतने खाली बैठाओ के बाद दिमाग में है। तो देखो अहंकार बा कुंभकर्ण, तो जब से अहम न जाई तब से कामना खत्म न हुई। हम भाई तो कामना बा, ठीक न? तो देखो भवा मन से तो हमके फूकी दे, अब तनको जो है अहम के जगह रखना ठीक नहीं। कहे कि भगवान शिव जी कहते हैं कि निशिचर अधम मला कर ताहि दीन निज धाम, गिरी जाते नर मंद मती जे न भजही श्री राम। कहते हैं कि हे गिरिजे कुंभकर्ण, जो नीच राक्षस और पाप की खान था उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिए। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है जो सपना वाले संसार को सच्चा समझकर मोह कर बैठे हैं और मोह ममता का त्याग कर निष्काम भजन नहीं करते, श्री राम जी का निष्काम भजन नहीं करते। ये तो शिव जी एकदम फर्चा फर्चा समझा देता है, नहीं देखरे बाद भी अगर लोग निष्काम भजन न करे तो तू महामंद बुद्धि बन, काहे कि जब पहले नहीं पता रहा नहीं रहा है ना। गणेश जी अभी सब बाणी जाता है बा, एके जे प्रेम से सुनी वो गणेश जी की यहाँ या कहीं और फोन कर जाई यह ने। हाँ, कहे कि सुना से समझ में सीधा आ जाए चाहिए, लेकिन यहाँ सब देखबे ना तो संसार में अपन मोह ममता छोड़े के और सब देखेंगे संसार में कि हम बहुत बड़ा धर्मात्मा भाई ये ने। तो अब सीधा बात बा कि जे भी बाणी सुने जहां भी सुने
अहंकार निकाल के एकदम निष्काम सेवा, निष्काम भजन, शोक मोह शंका भ्रम कुछ भी मन में न रहे, तब तो वे शरीर के कहीं न कहीं से प्रेम का अंश बा ओकरे अंदर। अगर इतना बा या एकर तन्नी सा भी अंश बा तो वो प्रेम यहाँ स्वीकार नहीं बा। गणेश जी अगर तनको अंश बा रामचंद्र भाई तो वो प्रेम स्वीकार नहीं बा। और ये कोनो बाड़ी के चतुराई नहीं बा, साफ साफ बात बा कि मिलही न रघुपति बिनु अनुराग किए जोग तप ज्ञान विराग। बिना परम पवित्र प्रेम के श्री राम जी किसी को भी अपने हृदय में जगह नहीं दे सकते, क्योंकि वो अगर प्रदूषित हो जाएंगे तो सब आत्मा परमात्मा माया सब का सब खत्म हो जाएगा। अगर भगवान के सेवक है तो फिर कच्चा जो है कि यही लालच और ममता के प्रेम के अगर लालच में बाए, माने जो लालच से उत्पन्न प्रेम बा वही के लालच में अगर पड़ा बा है तो कहाँ भगवान का सेवक बा है। ऐसे प्रेम का तो त्याग कर देना ही बुद्धिमानी बन है। रामचंद्र भाई बतावे बुद्धिमानी बन है। रामचंद्र भाई से बात हो तो वो अपन बापन बात करो, कभी कभी भी कोई के ऊपर उंगली मत उठाओ, सिर्फ अपन अपन। कहे कि शंकर जी देखा भा साफ साफ कहता है कि गिरिजा ते नर मंद मती अजय न भजहि श्री राम। जने अब देखे भगवान शिव जी के बातों अगर मन में तब ने गुस्सा मत भवा, सरल भाषा में कभी भी कोई के तरफ की के का करत हो का नहीं करत हो वहां सोच तक ना जाए चाहिए। सरजू भाई देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल पर मारत नाही। जो दिखाई दे रहा है जो सुनाई दे रहा है अगर उसके बारे में सोच रहे हैं तो वह मोह का जड़ है। वह परमार्थ परमार्थ माने वास्तव में है नहीं, नहीं तो क्या करे यहाँ गर्दन गला फाड़े के बा भाई। बात तो यह है ना बा, ठीक ठीक माने समझे बदे कि भाई देखो ऐसा ही तो बा मनुष्य का शरीर पाके जे प्रभु में पूरा का पूरा मन नहीं लगाए जने तो ओकर जीवन समझ ले जन्म व्यर्थ बा। यही में बान है माता सुमित्रा जी के बाड़ी बा कि वह पुत्र अपने माँ का जवानी रूपी जंगल को बर्बाद करने वाला निकृष्ट जीव है जो मन बाणी और कर्म से श्री राम जी के चरणों का अनुरागी। और कहते लक्ष्मण तुम्हारे जन्म से मैं भी एक भाग्यशाली माँ बन पाई कि तुम्हारा मन बाणी कर्म से प्रभु के चरणों में अनुराग। समझा जाए कहे कि बहुत अलग बाना। ठीक तो आगे बढ़ा जाए ये निश्चित बा बाहरे से कोई इतना जने बाए कहीं से कोई करे न करे और न करे तो अपने आप के अंदर इतना जरूर माना
ये एकदम निकृष्ट जीव है, अपने माई के जो है की मात्र जवानी बर्बाद करे वाला जीव है। कुछ आया भक्त तो कभी कहत बच जाए, कहे कि समझेबो करन और जहां जो है जरूरत पड़ी वहां तो भाई मिली। कहे कि भगवान शंकर जी के बाड़ी भाई यहाँ सब इतना बढ़िया मनुष्य का शरीर पाए बा है, और इस साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये ने, तो भाई जब भगवान का ये शरीर से मुक्ति तक जाता ठीक माने। अब आप लोग अपन साधत जा ठीक, तो आगे बढ़ा जाए। तो भाई काल के युद्ध में अभी शाम होएगा जने, बयान हुई थी ना, वो तो सही जगह रहा ये से वहां। तो दिन के अंत फिरी दोनी असमर भई सुभ तन श्रम घानी। दिन का अंत होने पर दोनों तरफ की सेनाएं अपने अपने घर की तरफ लौट है ने? और आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई। नहीं कुंभकर्ण के पेटे में चला गया, उसके बाद नाकी कहीं निकला था, कहने कहीं निकला था, बड़ा मेहनत करके पड़ी ना, आज अजगर के पेटे में चला जाइए है। कल्याण हो भाई कल्याण। तो राम कृपा कपि दल बल बाड़ा अजी मित्री न पाई ला गयति ढाढ़ा। राम कृपा कपि दल बल बाड़ा जी मित्री न पाई ला गयति ढाढ़ा। समझो श्री राम जी की कृपा दृष्टि पाकर यानी बानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती। नहीं एक ऊपरी सुरगा दे तो मैं सुरगा दे बत आग रही और यही पर सूखा घास लिया के रख दे तो आग बढ़ी कि नहीं। तो देखे अब बल बढ़ता कि नहीं, मानसिक ताकत ने, मानसिक ताकत तो बाकी कोई आवाज है दम जनो अगर पर्चा पर्चा छितिर बितिर हो जा नहीं। तो प्रभु श्री राम जी का सब कृपा भाई जौन चला बा, यही से जब चित लगा के सुनबे समझबे तब जाके, नहीं तो अहम बड़ा बारीक हो। हाँ महाराज बारीक से ने, तो एक चीज का भरम मत रखा जाए कि कृपा का अर्थ खाली दया एकदम माने विनम्रता होला, यो कृपा का अंश हो जौन आशीर्वाद मिलत हो, एक एक कृपा का खाली अंश जाने ठीक ने। तनको मत समझे कि डांटत है नहीं है। जने कहे कि कुशा के लोगन के दिमाग में रहा न कि पूरा कुशा तो लिखाई ले जाए। जने इतना नहीं करोड़ों करोड़ के व्यवस्था आल थे हर जगह दिमाग में वह चक्कर रहा, हम कोई के पता कोई सोच लो तो नहीं रहा कि ऐसे जो ना पत्ता झाड़ के निकल जाइए ऐसे कहाँ होला। नहीं यहाँ तो सबने सीखे बहन कि बुढ़वा भी हो जाता है अगर तीसरा कुछ करे लायक बाय तो कम से कम जो ना कि झुआ से जो ना कोवर ओवर
गैया भैंस के दे बछरू डर है हाँ। और इतना नहीं देखे भाई, लोभ इतना तगड़ा हो गया बा कि अगर पति मर जाए और पता लग जाता कि इनका कोनो केस में अगर कुछ पुलिस केस कर दे जोने से अगर पोस्टमार्टम हो तो 5 लाख मिल जाए तो सब वो के मोरो शरीरिया के कटवावे में पीछे नहीं जाता जने ने। तो लोभ का इतना प्रचंड व्यवस्था तो बा, लेकिन अब एमए जो है आदमी जब समझे कहे कि अगर कहीं भी मन फंसा रही तो 84 लाख के बाहर तो बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिल गया। बड़े भाग माने श्री राम जी के कृपा से बड़े भाग से दर्शन भी होएगा और बड़े भाग से ही तत्व ज्ञान भी मिल जाता है ना। और एकरे बाद भी अगर जो हो मोह के रात्रि से नहीं जग पावत है तो मंद मति तो बटले बाने ठीक। अभी बतावे देखे ये उठना तो चला था युद्ध बाने जौन अहम से निकला बाहर राक्षस लो इनके में और जौन सेवक भाव से जौन मन निग्रह इंद्री निग्रह भाई दोनों के बीच में चला था कि नहीं तो उनमें राक्षस लोग मरत है। राक्षस लोग मरत है इन्हू सबे पटकनी खा लें मन निग्रह इंद्री निग्रह भी पटकनी खा दें ये बात नहीं बाकी हाँ कि राक्षस भी है बड़ा बलवान तो छी जही निशिचर दिनु अरु राती अनिज मुख कहे सुकृत जही भाती समझे तो उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से अपने पूर्ण कर्म को कहने से वे घट जाते ठीक ने। तो कभी कुछ नहीं कहे के बा कि हम उनके बदे कुछ करे भाई ठीक ने। तो देखो ये घटत है कि नहीं निश्चल लो घटत है और बाकी जितना भी सत्कर्म हो जाए वो कभी कोई से कहे नहीं बा ठीक। और न तो कोई का दोष देखे के बा सपने हु नहीं देख ही पर दोषा। और आप देखा ले या बंद कर दिले कहिया आज एकदम खत्म कर दो ना आज से ने हाँ। तो फिर आज से नया जन्म समझो अब सच्चा जीवन जियो और जोने में खाली निष्काम भजन हो बाकी कुछ दोष नहीं देखे के बा ठीक ने। देखो मेहनत करो भाई है करत है परसों भेजब गणेश जी के पता करे बदे जने। तो कम से कम एक उदाहरण मिली ने रामचंद्र भाई कहे बहन से क्यों उदाहरण मिली ठीक कोनो बात नहीं प्रेम से सुना जाए तो मन लगा के हाँ। तो सुना अब जब हम अगर मिट जाए तो मोह जोन हो कि ओके अच्छा लगी मोह रूपी रावण के अच्छा है ये ने। ते ध्यान दे कि बहु बिलाप दसे कंधर करई अब बंधु शीश पुनी पुनी उर धरई
तो मोह रूपी रावण, अब समझ ले मोह है, जिसे मोह दिखाता है सब सब में लगाए बा। अब ऐसा शरीर कौनो हो जाए मोह का शरीर, तो सभी की कब्जा न कर ली। हाँ ऐसा ही एक है बैराग का शरीर, शरीर के जौने रूप में चबे ढाल देबे जने, तो वही रावण यानी मोह रूपी रावण बहुत विलाप कर रहा है जने, और बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगा रहा है, क्योंकि लगा कि तो बड़ा देखा तब वो बुद्धि नहीं खुला था ने? नहीं तो देखो भाई मोह के कारण से सब रोला ने, जब कोई मर जाला मोह के कारण रोता ने नहीं ने। और ये निश्चित जान ले कि शरीर जब छूटी तो जे भी धरी शरीर ये शरीर के जाने वाला बा धरती पर, ओकरे लिए अब ही से जो है कि सीधा जो है एक है निवेदन बा कि शरीर छूटे पर एक बूंद आंसू न गिरे के चाही, जेकरे बूंद से जेकरे आंख से आंसू गिर गल जने तो समझ ले इन्हें कभी प्रेम करे नहीं जने। गणेश जी ये बिल्कुल उद्घोषणा बा, ठीक ने? और स्थिति बा कितना कहे पर भी रात दिन लोगन के झरझर आंसू, ठीक समझ जा। तो ये रोवे वाला काम मेहरारून को होला जाने, पुरुष थोड़ो रोल दे, पुरुष का मतलब जिके बैराग योग ज्ञान विज्ञान बा तू का रोई, जिके रागे नहीं बा बहु मरले तो तू रोत रले सही बतावे। अरे यार कैसा आदमी है बहु बहा मर के रोले नहीं। ऐसा ही संसार बा जेने, संसार कुछ ऐसा ही बा। उन्हें थोड़ा सा समझाए के बाद एक वैज्ञानिक दूरबीन लगा करके ने कुल तारा मंडल के देखत रहे, सबसे पंचम भाई पहुंच गए, उन्होंने देखे बगल में के दूरबीन लगा बा तो जेहर लगा के देखत आए, इन्हों अपन वहरा लगा के देखे लगे, तब से कहा भा कि दूठे पिंड आपस में टकराएन है ने, वो इतना चपरासी की नौकरी करे रहन ते अब कैसे तारीफ करे, कदन वाह साहब वाह क्या निशाना लगा के मारे हैं, इन्हें लगा कि एक पिंड जो निकला वो दूसरे के मारे पर एकदम पक्का पक्का मार दे इसने, वो देखे कहने रहे तुम क्या कर रहे हो, कि नहीं साहब देखा था तू कितना बढ़िया निशाना लगा बोले चाहिए, फिर लगे देखे देख के बिल्कुल साइड से निकल गया टकराया, तो सोचा कि अब क्या कही, वाह 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 क्या बचा के मारा है। दोनों तरफ मुक्ति नहीं बा, समझ में आवा था। संसार खाली पवित्र प्रेमे बदे हो वापस, ठीक तो रो वही नारी हृदय हति पानी,
अता सुतेज बल विपुल बखानी। तो जो नारियां हैं वे कुंभकर्ण के भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही, देखो नारी लोग। दरअसल ई अहम वाला जोन व्यवस्था बने जोन ई मुंह मुंता लगा बा उ सब समझे तो लादी के खिलौना बा, नारी के लादी के खिलौने बने। यही से वो ममतत्व वाला जो रोग है ना ये बहुत तगड़ा बाजा ने। और इतना समझ लीजिए कि आत्मा का कोई माई बहू जब आत्मीय रूप में आ जाइबे तब वो मोह ममता के कहीं जगह तो मेघ ना देते ही अवसर आयो कही बहु कथा पिता समुझायो। उसी समय मेघनाथ आया माने वही कामना, ये समझ में आगल बने अहंकार कुंभकर्ण कामना मेघनाथ मोह रावण ये ने हुआ देखो जाए यही सब रही तो समझ लो वही का छाया। कहे कि समझे में तनको जो है कोताही करे की जरूरत, तो उसी समय मेघनाथ आया और बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। सही समझ लो अंतिम बार समझा हुआ था आप, यानी अगर पक्का पक्का आप लोग अहंकार के समाप्त कर लेता तो आज कामना का समाप्त करने का बड़ा बढ़िया अवसर रहा है। निष्काम बने के आज बहुत बढ़िया प्रसंग। और कहता है कि देखे हूँ काली मोरी मनुषाई अब ही बहुत का करो बड़ाई इष्ट देव से बल रथ पायऊं असो बल तातन तो ही देखायूं। पिता को समझाने के बाद कहता है कि पिताजी कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया। यानी अब सबके पता नहीं बाकी जितना ताकत जितना कुल देवता और देवी देवता हैं सबके अंदर ताकत प्रभु श्री राम जी के कोई के अपन निजी ने कहे कि हनुमान जी का बाड़ी बा जाके बल बिरंची हरीसा अपालत सिजत हरत दस सीसा। जिनके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, जिनके बल से विष्णु जी पालन करते हैं और श्री शिव जी मुक्ति प्रदान करते हैं वे हैं श्री राम जी। जानिए कि आखिर के श्री राम जी का निष्काम भजन क्यों करे तो यह आधार है इसलिए करिए। ये ने गणेश जी समझे में कोनो दिक्कत नहीं ना, तो यह विश्वास बैठाइए क्योंकि यहां से बात हो रही है। हाँ और का के दे दे ही जने तो यही विधि जल पते भयउ बिहाना अचहु दुआर लागे कपिनाना। इसी प्रकार से अलाप करते करते जो है बिहान होएगा।
और चारों दरवाजे पर बानर बंधु जो है डट गए, यानी कहे कि प्रभु श्री राम जी के कृपा दृष्टि पड़ा बात सब एकदम बलिष्ठ हो गया बात। तो इत कपि भालु काल सम बीरा उतर जनी चर अतिरन धीरा। इस तरफ काल के समान वीर बानर भालू है और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस, जने यहाँ पर एक बात समझ लेने की जरूरत बा कि देखो थोड़ा सा अगर प्रेम से लोग बात करी है तो ये बात तो निश्चित हो जाए कि भाई मानव समाज इसमें दानव समाज बन गया बा, ठीक ना। अब यह जो दानव समाज बा वह निर्णय ले कि भाई इतना बढ़िया मनुष्य का शरीर मिला बा का ऐसे कुल ठगिया करे के बाद कपटे करे के बाद जीवन भर या तो ऐसे मुक्ति होवल जाए। अगर वो उन्हीं सबका समाज ज्यादा बा तो अगर ऐसा निर्णय अगर ले सके तो भाई आप लोग विचार कर सकल है, नहीं तो उस शरीरिया की ताकत की कुल देखो अहंकार रूपी जो है कि कुंभकर्ण के छाया में बहन कामना रूपी मेघनाथ बटले बा और लोभ रूपी अतिकाय ऊपर बटले बा और कंपन रूपी क्रोध बटले बा सब बहन वो सही जाने। तई तो भाई अब मानव समाज निर्णय ले उसे विश्व से कोई सन्मुख भा नहीं, कहे कि राष्ट्रीय समाज बा तो सब यही में जे जितना बड़ा कपट भिड़ा ले उतना बड़का विश्व गुरु बन जाई, इनमें ऐसे ही बात सब। जबकि गुरु के जगह पर कहाँ छल कपट के जगह बा बिहारी भाई, कपट हुआ जाए गुरु के अंदर। हाँ और लालच नहीं तो कपट ना हो, एकदम ही पक्का पक्का बा भाई। हाँ मेरा लालच नहीं था ना कपट, लालच नहीं बात रहा कपट, ठीक। तो लरही सुभट निजे निजे जय हे तू अबरनी न जाई समर खग के तू। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। काक भुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। और जय भाई बैठ के यहाँ रामायण सुनाता है, उसमें जय बदे लड़ता है और जय भाई नहीं देख लो सही सही तो दिखाता एकदम जय भाई ने जितना हो सके एकदम निकाल ले आओ, कहे कि बहुत बढ़िया भगवान के कृपा बा कि देखा कुल बात सफा सफा बा। ते देखे कोई से जब कभी कुहाल है कुहाल बाय कभी हाँ तो कुहा के अगर कहीं एकांत में चला गई ले तब वो देखबो ओकर याद आई। अरे महाराज तो भेरा वाला तो भेरा वाला ने देखो ऐसे ही बा कामना रहा यही से याद आवत रहा। तो मेघनाद मायामय रथ अचढ़ी गयउ आकाश, मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गयउ आकाश, अगर जे अट्ठहास करी अभय कपि कट कही त्रास। तो मेघनाद रूप वही कामना रूपी मेघनाद उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर जो इष्ट देव से प्राप्त किया था आकाश में चला गया और अट्टहास करके गर्जा जिससे बानरों की सेना में भय छा गया।
जने ते उ गर्जना का बा उ हवा में बका बा। मान ले कि अपन निष्काम सेवा भाव से भी उब गई ले और कोई मानक तैयार नहीं फल चल दे ले है ना, चले अच्छा अब खाली साधना करब। तो कहीं से सुना था कह रहे हूँ तो मेहरारू जोनो जाता रेलवे लाइन से कटे, एक तो सोचा था तो वो आकाश में चला गया, जो सोच बा आकाश में चला गया, और जब सुना था कि वो जोहर खाया जाता है वो जो है कटे जाता है तो वो पुलिस के यहाँ रिपोर्ट करा जाता है, यह कुल गर्जना होगा नहीं। तो फिर जो देवता रूपी मन निग्रह इंद्रिय निग्रह अहिंसा अस्ते और परिग्रह बा इन डर जाइए बस नहर पंडित जी गैन चोंगा पहन लेन और बिटिया के इतना फोन कर देन कि बच्ची अब घर से मतलब नहीं बा, अब तब आगल भाई यहाँ काशी में जाने बिटिया जैसे ही माई के फोन कर माई कैस के भैया जाती रेलवे से कट ऑफ पुलिस जाई पकड़ के जो ना फोन हाँ जेल में बंद करी तब उन्हें समझ में आई जाने। तो बिटिया जैसे ही बताया कहन कि बच्ची जल्दी सो के रोक आवत आई यही पकड़ी के पूरा गए और वो समझ ना ये शरीर के जीवन में वो बहुत बड़ा गुरु का काम करेगा। वो बताएं क्या है कि वह बताएं कि नहीं जब चारों आश्रम का त्याग करे के बाद फिर उधर देखे के नहीं बा माने कि पकड़ी के पूरा से बेलवन पड़ जाए दक्षिण पकड़ी के पूरा से तो कहें कि उधर देखा ही कि नहीं बा कहें ठीक बा गुरु जी लाया ब्रह्मा जी के पकड़ो अब देखे उत्तर के और कठिनाई से डोंगा पकड़ के ठीक न 4 सितंबर 2014 के वो डोंगा वाला आदमी जानत हुई ये वहां से डोंगा चलाओ तो ये लोटा ले रहे कहे कि बुआ क्या करी ये लोटा वाला ले ले तो वो जो ना कि बिल्कुल झुक के पैर छुए और कहे बस गुरु जी अब आपका स्थिति देख के समझ में आ गल बा कि प्रभु का लीला बा, खाली हम इतना बतावे कि क्या करी तो कहे कि बस हाँ अपन डोंगा खेत खेवत है जब सांस ले तब वो राम सांस छोड़े और कुल बस उन्हीं के भक्ति तो के मिले कल्याण हो भा बस वह कह के आगे कहे कि देखो जब एक आधार मिले तो ऊपर चले के जब ऊपर चलबे तब वो जब तपबे तब ने जो ना कि सोना जो है निखरी हाँ और तपस्या कोई करे चाहिए ना एक सरजू भाई बन उन्हें कह बैठा जब याद कर ले नाई गुरु वहां ठंडा बा बढ़िया हवा लग वाला समझो थोड़ा सा तपावे के चाहिए ठीक ना सरजू भाई हाँ तो क्या कर बे कल से घर में बैठ बे सोरी पर अरे कुछ नहीं अच्छा है मैंने ये नियम बा देखो बताओ ये यदि चित्त में पूरा प्रभु के चरण बैठा ले तो घाम छा बरसात कुछ हो पता न लगी निश्चित बा तो तब न लगी। अब यह बात कि यह विश्वास लोग नहीं बैठा लेते बैठा पाते न कि अरे ऐसे कहता है कि खाए बिना मर जा कुछ नहीं ठीक। तो देखिए आकाश में चढ़ा तो देखा ही शक्ति बन है कि जाता ही जो ना कट के मरे तो उहे ने खींची समझ जा ये जो आदमी का सोच होला ना और जो चरित्र होला वो बहुत बड़ा बड़ा त्रिशूल छोड़ाला और लोग ओके साधारण समझ लेता है नहीं साधारण समझे के जरूरत नहीं बा। तो शक्ति सूल तरे वारी कृपाना अस्त्र शस्त्र कुली सायुध नाना डरई परसु परिघ पाखाना
लागे उबृष्टि करे बहुबाना। आकाश में जब मेघना चला जाता है मायामय रस से, तब वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से औषधि, अरे आयुध, आयुध माने वही हथियार, चलाने तथा फरसे परिघ पत्थर आदि डालने और बहुत से बाड़ों की वृष्टि यानी बरसात करने लगा। दिखाई नहीं दे रहा और इतना सब हो रहा है ना? तो ये आप समझ ले वाणी के माध्यम से बहुत कुछ मिलला। ये जितना अस्त्र शस्त्र बा ये वाणी के माध्यम से मिलला, और कभी वाणी लग जाला तो लोग जा करके जो है रेलवे से कॉट भी जाले जाने। ते कल्याण हो भाई, कल्याण हो। यही से आप क्या करेंगे बाने कि जब ये सब समझ में आ गल कि सब प्रभु का लीला हो, तो रूप रस गंध स्पर्श और वाणी से कुछ मतलब नहीं बा, जा कोनो लालच नहीं बा, सेवो कर दी ऊपर से सुनवो करी चिंतो करी है ओकरे बाद तोहरे बदे रोबो करी, ये अच्छी बात बा। तो कितनो पढ़े रूप रस गंध स्पर्श और बाड़ी से मन के प्रभावित नहीं करेंगे बा, कोई जोहर खा के मरे चाहे रेलवे लाइन से कट के मरे चाहे डूब के मरे गंगा में, कोनो मतलब एक निश्चित सिद्धांत कि शरीर जो है आत्मा के द्वारा चल रहा बा, आत्मा ये शरीर का मालिक बा और शरीर सेवक बा, सेवा करो। ये तो पेड़ कोनो लालच नहीं रखा था, कभी कहे बा कि देखा उधरिया जो ना कि मट्टी कट गल बा झुआ झुआ पाट के हमें सुरक्षित करो, कभी कहे नहीं ने। नदी कभी कुछ पानी मांगा था, पत्थर इतना सा तोड़ा था, कभी कुछ कहा था? ये सब धरती माई इतना अन्न देता है, कभी दो रोटी मांगा था इन ने? तो ये सब तो इतना सच्चा संत है। अब मन ही कह जो ना शरीर पर लोग पियर पियर मेघा की तरह लपेट ली है और चल रही है कुकुरन की तरह दुआरे दुआरे मांगे और ऊपर से हड़ गई है कि अगर नौ देवे तो श्राप दे दे, वो जन मेघवा टर टर नहीं करते हैं या कुकुरन जो भाव भाव करा ले तो वो बाड़ी वही के बराबर बा। हाँ महाराज है क्या बात, कहे कि देखो भगवान शिव जी के बाड़ी बा कि संत बिटप सरिता गिरी धरनी अपरहित हेतु सबन के करनी। ये सब मात्र सबके उपकार बदे होते हैं, ये ने इनका निजी कोनो स्वार्थ नहीं हो। अगर संत का चोंगा पहने है तो वहां स्वार्थ का एक अंश भी जो है भक्तन के अंदर दिखे के न चाहिए और रही तो दिखी जरूर। कहो सरजू भाई न दिखी? तो चोंगा पहने से खाली कोई संत न हो जाए, ठीक ने? अगर अंदर में कुछ बात वो बाहर निकले कि देखे भवा ऐसे ही विचार कर सोचा था, साफ साफ दिखाता। अब शंकर जी के भी बाणी सब कटिया और कहीं हम शिव त्यागी है, अरे बिना शिव जी के केकर अस्तित्व बा? ठीक, तो देखिए इतना सब अस्त्र शस्त्र बाढ़ का जो है प्रहार होने लगा। तो ये सब होला आप लोगों के दिनचर्या में, उकर अनुभव भी नहीं करे बा, लगता कि तो साधारण बात बा। तो दस दिसी रहे बाने नभ छाई मानहु मघा मेघ झरी लाई।
आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए। दसों दिशा जाना लेने कि नहीं, चार छे तो जाना था, चार छे कोना ऊपर और नीचे, ठीक ना। तो दसों दिशाओं में बाढ़ छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी, बारिश कर दी। मघा बड़ा तेज बरसाला ने, अधर उधर मारू सुनिए धुनी काना, जो मार रही ते ही को न जाना। धरु धरु मारू सुनिए धुनी काना, जो मार रही ते ही को न जाना। को निकल कर जल्दी से ना, तो त्रुटि रहा, को न आवाज भी आ रहा है, पकड़ो पकड़ो मारो। ये शब्द कानों में तो सुनाई पड़ते हैं, लेकिन जो मार रहा है उसे कोई जान नहीं पाता, क्योंकि वो अदृश्य है। वो अब बोली दिखाई देता है, लेकिन बोली दिखाई नहीं देता, लेकिन कान में लगा था, कान के माध्यम से जब बुद्धि तक पहुंचाता तो वो सूल देता कि नहीं। तो यह कुल देता है जिसके अपन माने बात सब जने दे लेन कि नहीं है। सुने भा, अगर ये कही कि ले और एक तू न लेबे तो कहाँ जाई गणेश जी, ये कहाँ जाई? जे देता वही के पास रह जाई। तो जे गाली दे मर्दमासों के मौत ले, तू अपने आप के देता नहीं। सुनो, ये ताकत जुटावे। अगर कोई जो है कि कड़ुआ बाणी बोला था और ओके तू ले, ठीक है, मतलब कि वो वही से वो खुद जल जाई। साधना हुई को भाई, तब न लेबे ने। कोई कितनों कहे जने सूल वाला बाड़ी सब दी है और तुमसे कोनो मजलो कहे कि जोन लोभ वाला लगाव है ना, ओकर आधार है लोभ। लोभ जहाँ हटैले ने वहाँ वो प्रेम ममता कहीं कोई दिखाई नो। अलौकिक प्रेम हुआ चाहिए अंदर से, और लोभ के कारण का प्रेम रही तो लोभ खत्म, बात खत्म। तुम कौन हो यार, हम नहीं पहचानते तुमको जने। ऐसे ही संसार बा भाई, रवि गुरु अपन कुल देख के ने समझ गए। बड़ा बड़ा है उन्हें समझ में आवे सब, कि ऐसे ही तो संसार बा। बताओ कुछ गलत समझे? मंगलवार 26 अप्रैल 2011 के शरीर छोड़ के चला गया। छोड़ के मतलब इनमें बैठा के, जेके बैठा है उन्होंने चल रहे, फिर एक हुआ आत्मा बचा बा। देखो ये सब होता तो इनकर बाणी देखो मन के भले से अच्छा न लगे, लेकिन अंतर आत्मा के वो जो ना की झकझोरी जरूर, ये में कोनो गलती नहीं। आखिर के मनई के शरीर पाके जब अब न तरबे, तो फिर कोने शरीर से तरबे ये न बद्री भाई। बिराजो बिराजो, ठीक ना। तो देख ले, बाणी दिखात नहीं बा, देखिए काम करा था ना। हाँ, एक मतलब अलौकिक होला, अलौकिक माने जो आँख से दिखाए ना, फिर भी प्रभाव पड़ा था।
अलौकिक बाढ़ होला तो अलौकिक प्रेम नहीं हो सका है ना। तो अलौकिक शक्ति जा करके वो कुल सफाई नहीं कर सकती, खाली झाड़ुआ से सफाई हुई देखा बड़ा सब अंदर के बाद बाप बिया की अब देखा इतनी सफाई होता तो कुछ पर्चा पर्चा ये ने नहीं पूरा नहीं साफ होता है, क्या मतलब मन पूरा साफ नहीं भलवा भाई जितना ही गंदा बा उतना अंदर गंदगी बा फिर भी काफी साफ कहे कि जब वो पक्का हुई ना तो ऊपर आदमी रगड़ करी फिर वो दू तीन तीन घंटा लग के कैसो भी हो आज यहीं से जब पूर्णावती करने के बाद वो कर दी साफ की नहीं। देखे भाई मानसिक सफाई बहुत जरूरी बा, कहे कि जब से मन पवित्र न रखबे जने तब तक वो करो विचार है पवित्र न होई नहीं तो कौन कर्म करबे जोने से शांति मिल जाए। दुखरन भाई और स्थिति यह गल की कितना एक किलोमीटर मुश्किल से घर होई हाँ और एक किलोमीटर आवा में सीना पीड़ा था, इतना पीड़ा था कि जय श्री राम भी नहीं हो सका था देख ले आखिर के यही सब में माया जाल में करते करते तो ये अवस्था आ गल ने तो बतावे अगर ये जन्म में तो ये कुल कर ले ले ये अवस्था आ गया भक्ति कोने जन्म में करवे जब कर्म के अनुसार कुकुरे का जन्म मिल जाए तब अब अभी तो यहाँ वहाँ जातो बाय सब समझत है और कुकुर के जन्म मिल गल अगर एक गाँव से दूसरे गाँव तरफ गई ना नहीं वहाँ वाले झाँ झाँ करके देखे बात एकदम सफा बा मनई के जीवन बा एकर सबसे बड़का लाभ है भगवान का भक्ति जने कि लाभ की किछु हरी भगति समाना अजही गा वही श्रुति संत पुराना। बहुत समझ में वेद पुराण पढ़े बैन चार वेद 18 पुराण और सभी संत भगवान शिव जी ऐसा कहते हैं कि भगवान के भक्ति से बढ़ के दूसरा लाभ नहीं है। ले कुल वेद पुराण के संत का ज्ञान ले तुरंत है। और भक्ति कहाँ से शुरू होला निष्काम सेवा से भक्ति शुरू हो जाला और जब तक लालच में सेवा देवे तब तक वो भक्ति नहीं बा। ठीक ना दिक्कत तो नहीं बा। ते अभी बात माने में कहीं चक्कर तो ना खाई बुद्धि कि नहीं पहले बड़ा दरिद्र रहे देखे बड़ा बारीक बा ने बताओ मुफ्त का चीज भी नहीं दे सकले है। अब देखा धनी बन जा अब पूरा एकदम मन एकदम तरको हर वर जाए ये ने देखा ऐसे ऐसे बनी जाए कही है एक तहन के क्या फूटी कौड़ी नहीं हमने इतने के मालिक भाई और ऊपर से हमने के दरिद्र कहता नहीं पागल आदमी इनका बात सुंदर तो ऊपर नहीं भाई देखा प्रत्यक्ष भाई मैं कौन बा। ठीक तो दिखाई भी नहीं दे रहा है और इतना जो है कि फरसा कुदार तलवार कुल चलाता है तो ये समझ ले कुल चलाता और दिखाई नहीं देता और बाणी से जौन आवाता माध्यम से ना ओके लोग समझ नहीं पावते हैं कि और तब वही में जौन है ना क्या करबे कुकुरन के तरह नहीं देखते कुतियवा भाव भाव करी तब वही के पीछे पीछे दौड़िए ना अगर मनइयो वह करता कि इतना सब सुन बर्छी मारा था और तब वो नहीं के पीछे बड़ा बेकार स्थिति देखे बाबा ये खाली जगावे बदे है ना। तो सही बात है तो एक जो ना एकदम पकड़े रहो और पकड़ करके साधो
और साथ करके ना देख निष्काम सेवा तक ले आवो, पहले पवित्र भाव से प्रभु के शरण में आके एकदम निष्काम सेवा पर ले आवो, तब जाके धीरे धीरे मन स्थिर। गणेश जी तनको गलत नहीं बा जोन आप कहले कि नहीं सही बात बा, गुरु शरणागत भाव में लोग नहीं बाए, सच्चों के तो नहीं है बाए। नहीं महाराज सर, उलट भाव कहाँ पूर्ण है, ना पूर्ण है ना अलग माया लीला हो जाए, तब लीला हो जाए। हाँ माया जहाँ छोड़ा था अंकल लीला पार हो गया सबका। तो जे घरही में लीला न कर सके वो काकर राम लीला देखे जाता हूँ, राम राम लीला देखे का अधिकार। हाँ मैं हाँ झूठा के अंदर के रावण कोई न जराई, और दशहरा पर खूब बड़े के रावण बनाई नाम करे बदे। हाँ 45 फुट का रावण बना रहा, प्रधान जी बनवाए रहे नामे बदे ने मने समझा बदे। तो दिखावटी काम करे की जरूरत, जला सके तो अंदर के रावण जलाओ पहले, नहीं तो कोनो जरूरत नहीं बा। 50 रुपया लेके चल रही है दशहरा का मेला देखे कचालू खही है, पता चल कि धूल मिट्टी कुल लगा रहा वही में आगल बीमार हो गए, तब से पता चला पीलिया पकड़ ले लेके तो हुए कुल करे की जरूरत नहीं, यानी कचालू कुल बना के भेजल बेचल दशहरा के मेला में। खिचड़ी पर जाए उस शिवालय घाटे, अदलपुरा के बगल में शिवाला घाट बा, गंगा जी शीतला जी के बगल में न, पशु का दक्षिण हो जाए वो शीतला जी के, मतलब पहले शिवाला घाट। हाँ तो वहाँ रवि गुरु जा तो कचालू खाए उनका है वह तो बताओ धान कैसे। कचालू और केला दो चीज उनका फेवरेट बचपन में, जाने ठीक। तो गही गिरी तरु आकाश कपि धाव धावही, गही गिरी तरु आकाश कपि धावही, देखही ते ही न दुखित फिरी आवही। वो दिखाइयो नहीं देता, और बंदर भालू क्या करता है कि पेड़ और पर्वत लेके आकाश में जाता है, लेकिन कहीं दिखा नहीं बा, और बेचारे दुखी होकर के फिर जमीन पे देखो है। तो अब घट घाट बाट गिरी कंदर माया बल की नेसी सर पंजर, इसके बाद मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, माने सबको बाणों से ढक दिया। देखो कितना बड़ा, देखो सब समझ में तो आवा था, लेकिन कितना बाण से सब जने ढोका पाए, कहां माया से अगर तुरंत निकले चाहे तो कहां। हाँ ई करे भाई, नो करबे तब से कैसे चल देबे, इतना सस्ता समझे 100 रुपये पे डायल करे बस पता लग जी। नहीं माने समझे बे, गुरु तू कैसे ऐसे हो गई ले, तू कैसे ऐसे हो गई ले, कहते क्या करिए अब संकोच ऐसा बना दे तो भाई ऐसा हो गए अब क्या करवे, लेकिन जैसा बना बन वो खराब तो नहीं बा। तो अब घट घाट बाट गिरी कंदर माया बल की नेसी सर पंजर, जने अब बड़ा व्याकुल होगा बार, देखा अब जब सही सही बतिया समझ में आवा था तो मन में एक तरफ व्याकुलता का भी एक अंश रही, नहीं गुरु बताओ तो सही रहा, लेकिन क्या करी हमने फौस गा पाई जरूर नहीं।
ये ब्याह कराए रहा आपके पंडित जी नहीं बिछवा में एक कोई रहा हो ही नहीं। देखे भाई एक बात तो जान ले, एक देखो शोध करके बात निकला बा, ये संसार में अगर कोनो बात से लेके कोई के सजा देवे चाहत है जने तो सबसे बड़ा सजा यह बा कि ओकर ब्याह करा दे, उससे बड़ा कोनो सजा नहीं। देखे हुआ कुल बतिया इनकर अच्छा न लगी, लेकिन घबराया मत ई सब ने। देखे क्या बा विषयी पुरुष का बुद्धि हर साधक का बुद्धि एकदम उल्टा उल्टा बा। विषयी लोग अपने भोग विलास का वस्तु जुटावे में लगा रही हैं जने, और साधक लोग ओके त्यागे में लगा रही है। और जे सिद्ध बा अब वो बिल्कुल ये अवस्था में बा, माने जेके कोनो इच्छा जे पूर्ण काम होएगा जने, एके तीनों के समझ ले। और स्थिति बा इसमें विषय के भी नीचे जीव चला गा बा है ना, ते एकर तो हवा न लगी, वो तो बहुत बड़ा कृपा बा कि भगवान के कृपा से इस चरित्र में आ गल बा कि हवा अब लगा लगा, नहीं तो ये बाणी का हवा कहाँ लगी महाराज। जैसे कि अब वह रामचंद्र भाई ऐसे ही बाड़ी आई ने किके लोभ से नहीं बधा बा महाराज, ऐसे ही तो ही पे क्या कि जब बाबा बीबी दिखाता ऐसे ही तो ऐसे ही ना आई। ऐसे कि जैसन जो है कि वातावरण होला भाई वैसे ही लोग सोचा लेन वही में अपन, चाहे मनई हो चाहे नाला का कीड़ा हो, जे जोने वातावरण बा वही में एडजस्ट खाली करता, लेकिन उसे पवित्र हो सकला जीव। एकरे बदे चाहे राजा हो चाहे गुरु हो चाहे महामंडलेश्वर हो कोई कोशिश हाँ, यही से कुल अपन नियम निकाल दे बहन कि भाई देखा तो हूँ अपन जोन करता है करा, लेकिन हमारे बदे खराब मत कहे नहीं। तब चल रहा बा अखाड़ा खोले बहन, अखाड़ा कौन जरूरत है मर्दवा से। तो ई सब जितना बाने ये कुल दम्भीन का खाड़ा हो जने, और ऐसे कुछ हुआ वाला तो सुना। अब आपा लोग व्याकुल नहीं भाई, प्रभु के शरण में बहन देखा तब वो व्याकुलता हुआ था कि जाही कहाँ व्याकुल भय बंदर असुरपति बांदी परे जनु मंदर, अमारुत सुत अंगद नल नीला किन्ने सी बिकल सकल बल सीला। अब का बा कि वही पिंजरा में अब जे जहां बने वो इतना फंस गया, अब कोई जाए लाए केहर उहर देखो सही ना बा है। आप लोग देख ला अपन अवस्था वो सही बा, जो सोचे के बा वही में सोचे के बा नहीं। अरे आप लोग जो छोड़ो यहाँ भैंसिया गई बा जोने के रोटियों के जरूरत नहीं बा, उन्होंने के देखा माया कहाँ छोड़े बा, उन्होंने चिन्ह लेन ने, जबकि उन्होंने अगर चाहे तो भाग के नहीं जा सकते हैं। नहीं कुछ लेकिन वो भी जो है हाँ, तो चार अचर सभी जीव माया के बस में हो गए हैं। और वही माया जिसके बस में सब बा वह माया, माता कौशल्या जी देखते हैं कि हाथ जोड़े खड़ी बा प्रभु के सामने, कहें कि वो माया के पास भी ताकत बा तो श्री राम जी सबकर ताकत जो है राम जी से बा, बिना उनके कहीं कुछ बा।
लेकिन माया दासी रही, आज मलकिन सब बना दे बा, यही से पूरा जो ना उल्टा नहीं। जैसे देखो पाइप से पानी जाता हाँ, अब वहां एकदम ठोस राड से अगर जोड़ देवे तो पानी ये बगल से बोल कैसे जाई है, जो नहीं धूरा लगा साफ्टिंग के नहीं, अगर उसे पाइप जोड़ दे ले हाँ, तो जहाँ दासी की जगह वहाँ मलकिन, तो फिर वह बात आ जाई कि घरे में मेहरारू खींच जाए है, और जहाँ बाबा जी के यहाँ जाता है तो बाबा जी अपन वहाँ कपट के छोड़ी देवे, और राजा ऊपर से अपने चक्कर में पड़े, तब वो कुल गांजा में मन जाता लोगन के क्यों कैसे जाता बात एकदम भाई एक मन ही कितना परेशान ना हो जाए। तीनों तरफ से ये तीन से व्यवस्था बा हाँ, और तीनों के जगह तीनों के तीनों कपट हुई गा बा, वास्तव में बड़ा विचारणी बा कि कम से कम गुरु है तो कपटी हाँ। ठीक देखा गणेश जी जो बात बा एकदम उनमें कोनो नहीं बा, तो अब कहा जाए अब यह प्रश्न बने अब कहा जाए, यह सोचकर रास्ता न पाकर बानर व्याकुल हो, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हो, इतना व्यवस्था इतना नहीं बल्कि मेघनाथ ने हनुमान जी अंगद जी नल और नील सभी बलवानों को भी व्याकुल कर दिया, यानी मान ले पूरा बैरागी बाय हनुमान जी की तरह ठीक ने, लेकिन तनको अगर लसिया लगा बा तो माया न खींच ली हाँ। यही से भाई यहाँ समझ ले कि अखंडानंद जी महाराज यानी ललन दुबे जी कितना बढ़िया बात बताए कि बताओ तो मम्मा चाहे जौन कुछ भी बा, लेकिन अगर तनको लाशा अगर लगाए रखते एक क्षण कभी मौका पाई बाया तो उचित करे में तनको समय लगी, कहे कि आपन आई हमनो साधे भाई बहुत जने साधो है, लेकिन पूरा का पूरा निकल पाना जो ना बहुत मुश्किल होला। हाँ ये है कि आपके साथ प्रारब्ध बढ़िया बा, अब कुल ज्ञानो होएगा और हर तरफ से आप मुक्त बाय है, अब इतना बा मम्मा कि जब एक बार निकले तो जगह पीछे मुड़ के मत गए कहे ललन भाव चिंता मत कर प्रभु के कृपा बा हो जाए, सो पूरा रगड़ भाव आ जाने हाँ कुल मिला के समझ ले सालों अब कहाँ प्रारब्ध रहेगा नहीं तो देखो ये सब प्रभु का लीला है, इतने मान के समझे यहाँ कोई आपन पराया हो तो आपन जोन जो रोल मिला बा वह ठीक ठीक करो, तो देखो इतना तो करें तो पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण असरनि मारी कीने सी जर जर तन, लक्ष्मण जी का जैसे ही नाम आवे एकदम पूरा सेवा का परम प्रमाण, सेवक भाव के परम प्रमाण। सुग्रीव जी विभीषण जी को भी बाणों से मारकर उनके शरीरों को चलनी कर दिया, कामना इतना कमजोर नहीं हो जने, कामना जो है बताओ तो जो निजी इच्छा से मुक्ति के बात कर रहे हैं हाँ, तो सुने में समझे में तो सब लगल अच्छा, लेकिन जब वो के साधन है
तो इतना करने के बाद कहा ना कि हम सब कल दिखाएंगे, तो पुनि रघुपति से जूझे लागा असर छाड़ी होई लाग ही नागा। उसके बाद श्री राम जी से लड़ने लगा जने, और वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते, तो सांप के अंदर का रहा विष। अब देखा आप लोगन के यहां भी कितना विष रहा हुई, अब ही भी कुछ न कुछ बटले हुई, कोई से कहे कि देखा अब द्वेष करे कि नहीं बा, ठीक ना। लेकिन अब ही भी कहीं ना कहीं ऐसा हुई कि नहीं गुरु ओ नम्मा ऐसा बात कहे हैं कि बतावत है हमारा शरीर छूट जाए, लेकिन हम उनसे कभी मित्रता हाँ हमें बहुत ऐसे समय पर धोखा दे। तो यह बीस बा, यह का बा बीस, मानो विषय बन गल ना खे, बीस से बनला विषय। इस संसार में जितना विषय पढ़ा जाला ना ई जौहर भरे भाव, इतना पढ़ाई हो गया कुल पीएचडी करके सब ने वैज्ञानिक प्रोफेसर गुरु शंकराचार्य महामंडलेश्वर बन गए, लेकिन एक जने अपने मन के पवित्र नहीं कर सके, तो कुछ जहरे दवाने है। देखो वह विषय सबके सतावा था के ठगी कितना ठगी साधु के लक्ष्मी से का मतलब बा। और यहाँ देखो तो पूरा जो है माला माल, और बेचारे क्या करे दुखरन भाई, देखे चले में दिक्कत बा, तब वो कोड़ा बेचे बुआ के पड़ा था कि नहीं मैं भाई देखो बेचारे गृहस्थ लोग पैसा पैसा के लिए कंगाल, और संत लोग के देखबा तो माला माल। ये गृहस्थन के धन चाहिए रामचंद्र भागी, संतन के धन से क्या मतलब बा जने। तो देखो ये प्रभु के लीला ऐसे ही हो कि इतना चरित्र दिखाई है कि आदमी तो वो समय कुछो कहे लेकिन उन्हें परमात्मा का अवतार है ये कोई मानी नहीं। लेकिन जब छोड़ के शरीर चला जाले तब तो पता ओ ठीक। तो ब्याल पास भसे, ब्याल पास बसे भये खरारी अश्व बसे अनंत एक अभिकारी जने। लीला बदे जे काल जेकर दास बा वह काल जो सबके मारला, जे प्रभु के दास बा ओके माया के सांप का कर सकला, तो जो स्वतंत्र अनंत एक माने अखंड, एक माने अखंड और निर्विकार है, जिनके अंदर कोई विकार नहीं, वे खर के शत्रु श्री राम जी। खर यह लोभ काम क्रोध, लीला से नाग पास के बस में हो यानी उससे बध गए, उससे बध गए। जाने अब जब बध गए तब जे भी वो आचरण देखी तो उकरे मन में आई नहीं तो भगवान नहीं बैस, भगवान होते तो ऐसे करते हैं है? तो देखो यही के लीला कह ले, यही के लीला। अच्छा एक बात बताओ मैं, यहाँ कहीं परतंत्रता दिखाता एन कभी कहीं कोई के ऊपर आश्रित बहन पक्का पक्का
ठीक ने। हाँ आप समझता है अनुभव देखो काहे कि प्रभु का लीला हो बड़ा अपरंपार और चूंकि हो लीला ऐसे ही मर्यादा के स्थिर रखते हुए बात करी है लेकिन बात बिल्कुल सफा सफा बा कि नट ही वे कपट चरित करे नाना असदा स्वतंत्र एक भगवाना। जरे श्री रामचंद्र जी मात्र एक लौते भगवान है माने अद्वितीय दूसरा कोई नहीं है जो हमेशा स्वतंत्र रहते उनके अंदर परतंत्रता का कहीं जगह नहीं ये ने और वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते सीखे बदे कि ऐसा हुआ के चाहे तो जे ओम में मिल गया तो वो ही का हिस्सा हो जाए ने। नहीं जैसे प्रमाण की इकाबा ढक्कन बा नहीं ढक्कन है बा मान का लेबे है एके कोनो समझे में दिक्कत नहीं बा। अब इकाबा तब तब ही सबने बाया ढक्का तब ही काबा ढक्का। अब जब श्री राम जी ने मिल जाइए तो फिर वह देखे बाबा अब समझे बदे जौन व्यवस्था बा सफा सफा ठीक ढक्कन बन के कब तक रहे नहीं समय के अनुसार अच्छा उदाहरण बन है कहे कि प्रैक्टिकली देख ले एक बदे कहा धन के जरूरत बा ईटा उठवा के इसन माया छोड़वा है ठीक तो ये सबसे बड़े नट है याने इन का करल इन बताई का कुछ एन ऐसा ना अहिर है इनमें कोई अहिर नहीं बा एन ऐसा ना अहिर है भाई याने अहिर ऐसे कहता है कि कृष्ण अवतार भी ले बनने यदुवंश में रामचंद्र भाई वो ये मोह के रस्सी से बांधो लेन जीव के मोह के रस्सी से और ढेर सारा कर्मों में जोता लेन है और ज्ञान देके छोड़ के स्वतंत्र कर दे यह इनकर काम उत्पत्ति पालन और संहारी तीनों नहीं के स्वरूप है बहन ये उनकर लीला हो यहाँ निजी कोई कहो बस जन लोग कह ले कि हम गुरु अपने काम से काम रही ला ना तो अपने काम से काम का मतलब कि जौन सही सही रोल हो जौन सही सही भाव हो वो भाव के स्थिर कर लेना तो अपने काम से काम बाए और लालच रही तो वो भाव के कभी जो ना कि पवित्र रामचंद्र बा रख पाई कोई ना। लालच रही तो विरोध हो ही ना लालच रही तो विरोध हो ही बा और विरोध हो ही तो भाव में मिलावट हो ही का सब ये ने सब ढक्कन बन के न रह बने देखे यार इतना तो बुद्धि बा नहीं आखिर की आईटीआई करे वह कौन ट्रेड रहा टर्नर अरे वाह
हाँ तो अब टर्न हो जा, अब ढक्कन से जो ना अब पूरा प्रभु का सेवक बन जा बाबा। सेवक बने में ही सब बढ़िया बा, क्या कि शंकर जी यह कहता है कि जब तक सेवक पक्का पक्का न बन बे तब तक भव सागर से पार नहीं। कि सेवक से व्यभाव बिनु अभवन तरिये उरगारी। श्री शिव जी कहते हैं कि जब तक निष्काम सेवक और प्रभु श्री राम जी को स्वामी मानकर सेवा नहीं देंगे तब तक इस भाव सागर से पार। अगर शिव जी के सेवक बात ही बात मानबे तब ने सेवक कहबे भाई। तो भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। ऐसा सिद्धांत विचार करके निष्काम सेवा करिए और निष्काम भजन प्रभु का करे तभी मोह माया के फांस से बहरे हो जाइबे। नहीं इतना बड़ा ताकत रख ले कि पूरे धरती के धन लिया के इनके चित के कोई पलट दे, कदा एक एक फूल ले बेच दे दान दे दे या हार जा। नहीं मतलब कह के तात्पर्य कि जब बात की जब जमावे के रहे नहीं तो जब ऐसा होला और कोई कह दे कि नहीं हो तो कोई बात पड़ नहीं का। अधिक से अधिक यह बाकी पूरा विश्व परीक्षा लेके देख ले राम जी भाई जने से। अब यहाँ तो बुद्धि लगा बच जा राम जी ऐसा काहे करें। काहे माया के फास से बधे है देखे। अब कबड्डी खेले गई ले अब मरला एक झापड़ उठ भी है आदमी गिर गया और चला ही ले तो मजा आई। अब तैसा जो ना पाला में चीरो जने और सामने से सब घेरे रहे और फिर उन्हें काट के जब निकलवे तब ना आनंद आई। तो वहां रण चला था और रण बा इतना कि कुल देवता लोग त्राही त्राही करे बन वो प्रभु का अवतार हो तो वो रण का शोभा कि रण शोभा लगी प्रभु ही बधायो अनाग पास देवन भय पायो। तो रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नाग पास में बधा लिए। नहीं उन्हें के बांधे वाला बा लेकिन वो तो बधाए तो है रण के शोभा के लिए लेकिन देवताओं को बड़ा डर हुआ। अब समझ ले देवता लोगन के भी डर होता। देवता भी एक जीव है कोई अलग से भगवान थोड़ो है जीव है ठीक ना। कब गुरु कैसे मानी तू खाली रण का शोभा बढ़ावे बदे नाग फास से बधावे कैसे मानी। एक प्रश्न आई ने कि नो आई तो गिरिजा जासु नाम जपी अमुनि काट ही भव पार अशोक बंध तेरे आवई व्यापक विश्व
निवास। तो भाई श्री शिव गुरु जी कह रहे हैं, गणेश जी कैसे कहते हैं माता पार्वती से कि हे गिरिजे, जिनका नाम जप कर मुनि, माने जो मन को प्रभु में लगा दिया हो, सज्जू भाई जेके जा करके साइन नहीं करे के बा बैंक में, जे पूरा मन अपन प्रभु में, हाँ ऐसे मुनि जन्म मृत्यु की फांसी को जिनका नाम जपकर काट देते, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास यानी विश्व के आधार जगन्नाथ। तो देख ले आत्मा तो आधार बाबा ने नहीं, आत्मा न रहे तो कहां प्राणों कहां से काम करी। ऐसे प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं, वो जो ने साफ से बधा बन ओकरे अंदर भी वो नहीं है वो कोई अलग से नहीं। तो ऐसे ही खाली जो है रण शोभा बदे, अब बढ़िया बढ़िया जब दिखा रही है चरित्र तब ना उनके अंदर विश्वास आई, आखिर के भक्त लोग भी उन्हीं का यह कुल प्रताप हो जाने, यह कुल क्या है कि जौन कार्य मनुष्य के बस के बात नहीं बा, वैसन कार्य करके जब दिखेबे तब ना उन पर विश्वास हुई। तो अब जब तक माया से बुद्धि फंसा बा, अरे यार ओकर जो ना काम तमाम है कर दो के हटा दे, मैं वो बार बार जो है ओके ना मार दो उधर चला जा, नहीं तो चित्त के बार बार खींचा तारा। रामचंद्र भाई ऐसे समझो, खूंटा जाना ले सब जने, उमे गैया के बांधे बै कभी ना कभी बदले हो बै, किसुआ से बांधा ले भगा से, भाई देखो समझे बदे बात। तो यहाँ बुद्धि रूपी गैया सबके पास बा, वो इच्छा रूपी खूंटा से लोभ के रस्सी से माने लोभ के पगहा से सबकर बुद्धि बदाबा की नहीं। तो वो जितना लंबा रस्सी रही उतने में न सोच पाई, उतने में न वो घूमी कि नहीं, उतने भर में रही भाई ने। तो और यहां चाहिए बुद्धि परम पवित्र, तो यह जो सगुण चरित्र होता है, प्रभु निर्गुण है गुणातीत है, लेकिन जो यह सगुण चरित्र आके करते हैं धरती पर, उसके लिए श्री राम जी यही श्री शिव जी यही कह रहे हैं कि चरित राम के सगुण भवानी अतर की न जाही बुद्धि बलवानी। श्री राम जी का जो सगुण चरित्र होता है यह बुद्धि के बल से तर्क नहीं किया जा सकता, यानी तो राक्षस स्वभाव रही, यानी तो बाणी निकली कि जब भगवान है तो हमारा लड़का हैराल है तो ओके बता दे कहाँ है, उनमें सब अपने बुद्धि लगाई। तो कोई कही कि 15 साल ब्याह भैले हो गए एक को लड़का नहीं बा आशीर्वाद दे दे, इन्हें लड़का हो जा तब मानी तो यह माना मनावा के चक्कर और ये साधु का काम नहीं हो।
जकरे शरीर में कोनो दिक्कत हो लड़की लड़का नहीं बन तो जाके डॉक्टर के दिखाइबे कि बाबा जी अगर लड़का पैदा करावो लगे तो डॉक्टर का झक न मरिए नहीं तो ये लड़का पैदा कराना नौकरी लगवाना ब्याह कराना हाँ या कोई के लड़का खो गलो बुहा दिमाग लगी दे ये सब निकृष्ट जीव होते हैं जो कि इस स्तर पर किसी के साधु को तरासने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं करना क्योंकि ये शिव जी की बाड़ी है कि श्री राम जी के सगुण चरित्र को तर्क करने के लिए बुद्धि के पास ताकत कौन सी बुद्धि जो किसी खूटा से बधी अगर एक भी इच्छा है जान लीजिए तो वह बुद्धि कभी भी तर्क प्रभु के चरित्र को नहीं समझ सकती। जितना लंबा रस्सी से बांधे बाय धन चाहिए बस चाहिए चेला चाहिए नाम चाहिए पूजा चाहिए आप उसी में नाचिए आप साधु कहलाने के लायक नहीं आप ठग हैं जो कि भगवान के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है कि भगवान राम को भूल करके कोई आपके इस ठग वाले शरीर को भगवान मान ले यही तुम्हारी औकात है समझ रहे हैं इससे ज्यादा क्योंकि निरंजन आदमी रह सकता है नहीं देखो 4 सितंबर 2014 के बाद जो ना एक सिक्का का स्पर्श नहीं बहे शरीर से है तो 2014 से 2017 आ गया है और देखा है जरूरत कहाँ बा यो देखा था जब तपस्या के बल नहीं तो लोग कहिए अरे बिना पैसा के कैसे काम होगा हमको प्रवचन देना स्टेज बनाना है लाउड स्पीकर लगवाना है नाटक का करता है 50,000 बैठ जा सबके समझ में आ जाए यही बाणी से लेकिन कब जब ब्रह्मचर्य का बल रखे रहे और जब सांस निकलते नहीं बा माइक लगेगी तो के सहारा चाहिए जो सहारा लेता है वो पाहिज होता है यार नहीं नहीं देखो बैठा दे देखो सब न सुन ले बतावा तो कहीं भी साधु के चरित्र में लक्ष्मी कहीं जगह नहीं जहां लक्ष्मी का अंत हो जाता है यानी वहां से श्रद्धा भाव का शुरुआत जहां से इस सांसारिक विज्ञान का अंत वहां से आध्यात्मिक विज्ञान का शुरुआत यानी बहुत बड़ा सब प्रेरणा बाबा बस पकड़ ले जा अब दरिद्र रहे की जरूरत अब जब शंकर जी का प्रेरणा बन गए तब वो दरिद्र रहे तब फिर नहीं ठीक बने तो यह भगवान शिव जी के अनुसार निश्चित है कि जिसकी बुद्धि किसी भी इच्छा से बधी हो वह कभी प्रभु को तर्क नहीं कर सकता और ये बात आप लोगन भाई के भी समझ में आवा था कि जेकर बधाबा तो जितना लंबा बधाबा उतने में नाच सकल है ओकरे बहरे सोचे के क्षमता एक दिक्कत नहीं बा गणेश जी समझ में आ गई बात कि नहीं यार आ गया सरजू भाई तोरो समझ में आया तोरो समझ में आ गल रामचंद्र भाई ये बात तो समझ में आ गल कि जे जितना मैं बधा रही उतने में सोच पाई और ये है अनंत है तो उतना ही सोच सकत दुखरन भाई कि सोच सकल जे बधल है यह ने जय भाई के नंबर आया जय भाई बतावे जितना में बधा बा ओकरे बहरो भी घूम सकल गाय नहीं ने लाल बिहारी भाई बोलो
ओकरे बाहर घूम सकला। देखे भाई देखो ई इतना सबसे काहे पूछता है, आप लोग समझे बा पहले ही से इसे पूछे के जरूरत नहीं बा। बद्री भाई जो है चुनार में अपन महल बनाए बा, लेकिन यहाँ आल बा जब तक थोड़ा सा। बद्री भाई अगर गैया के बांध देवे खूटा से एक रस्सी लगा के पगा क्या लेजूर, तो जितना लंबा रही लेजूरिया उतने में घूमी ने ओकरे बाहर न जा पाई। देखे आपको समझ में आवता तो जेकर बुद्धि जो ना इच्छा से बधा बा और प्रभु बहन अनंत ओन कहीं बधा नहीं बहन। स्वार्थ रहित सखा सबही के तो जेकर बुद्धि बधा बा ऊ उनके कैसे जान पाई। देखने बाद भी अगर कोई कहता हम ब्रह्म ज्ञानी है तो कितना बड़ा नीच बान है। बुद्धि बधा बा और कहता हम उन्हें जान गए है। अब यही देख ला ढक्कन जब रहा ढक्कन और जब लग गया तो वो बन गया मोबाइल ये ने। इतना काहे बदे जोर दे के बात होता समझ ले, काहे कि यहाँ सब जने तो समझौता है। यह बात विचार करे के बाद यह बात विचार करे के जौन की आपके बिल्कुल ट्रैक पे लिया के रख दी जने। और ये भगवान शिव जी कहते हैं भाई कि यस बिचारी जे तज्ञ विरागी राम ही भज ही तर्क सब त्यागी। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी विरक्त पुरुष है, तत्व से समझे किताब से खाली नहीं तत्व से जो समझ लिए हैं, ऐसे विरक्त पुरुष सब तर्कों यानी सब शंका का त्याग कर श्री राम जी का निष्काम भजन करते, इसलिए वे कभी किसी तर्क में पड़ने खातर करवे बुद्धि फंसावा तो तू उतना में सोच लेवे ओकरे ऊपर सोचे के ताकत तोरे तर्क के बारे में कहे सोचाए। हाँ ऐसे तू तर्क कर लायक हाँ अगर कर सके तो पहले बैराग लेके आओ हो धरती पर एक भी माई का लाल याने एक है बैरागी नहीं बहन। भगवान शिव जी का यह प्रेरणा बा कोई ऐसा नहीं बा जेकर बुद्धि लोभ से न बधा। तो बिना बैराग के कोनो का कोई चर्चा करी, खाली हुआ भक्तन का खून पियता है इतने औकात। तो देखो जब ये विचार करबे तो कुल तर्क का त्याग करी देवा पड़ी ने। जब सबका बुद्धि फसाबा तो मैं अब तर्क करे के कहाँ जगह बा दुखरन भाई। वो तो उतने में नाची ने हाँ। और ये है ना आनंद जे इच्छा से मुक्त हो जाई वो है हाँ। और वो कोई भी मुक्त होला तो वो नहीं के कृपा से मुक्त होला। और इन कृपा कब करे जब विश्वास करके भक्ति करबे। इतना बड़ा कृपा कर देहन कि रहले गिरगिट कुकुर सुअर गधा का रहले काहे कि सबका स्वभाव देखबे तो ये सब जीव का स्वभाव मनई में दिखाई नहीं। और इतना बढ़िया कृपा करके मनुष्य का शरीर दे दें ज्ञानो दे दें संगत भी दे दें एकरे बाद भी अगर हट के अगर बहाव में चला गई ले तो ई तो उनके उपकार की कहा मन ले ने। अब जब वो नहीं को उपकार नहीं मन ले तो केकर उपकार मनवे। कुल फर्जा फर्जा बान भाई हाँ। तो सीधी बात बा कि यस बिचारी जे ताज्ञ विरागी राम ही भज ही तर्क सब त्यागी। सारे तर्क का त्याग कर देते हैं फिर उनके पास तर्क। तो देखे
अब ये बात तो सब जने हा हा कले कि नहीं गुरु कैसे ओकरे बार होई। ऐसे फिर सबकर जो है जितना तर्क बा ओकर त्याग करके मात्र निष्काम भाव से भगवान का भजन करे, देखे मन मुक्त तुरंत हो जाई। यानी सब कहला कि दर्शन चाहिए है, दर्शन चाहिए तो दर्शन करे बदे भगवान तो उपाय देता है। सरजू भाई का चौपाई बा, कि मन क्रम बचन अछड़ी चतुराई, अभजत कृपा करी हही रघुराई, भजत कृपा ने अमेरिका तो नहीं बैठा था लेकिन लहावत है ललन गुरु बैदम सही बोला लेन भाई जाने ते मन भारी और कर्म से चतुराई छोड़ दे। देखे आप लोग भी अपन वो रामायण वगैरह कहे हुए है तो ऐसे ऐसो कहा ला, ऐसे कहीं ना कहीं टोन में हाल हुई आप लोगों के भी और याने तो मन बाड़ी और कर्म तीनों से चतुराई छोड़ दे। यानी मन से अगर सोचा था तो खाली प्रभु श्री राम जी के, कर्म करा था तो खाली उन्हीं बदे, और अगर बोला भी है तो खाली तीनों के देखा फिट करे तुरंत भगवान के कृपा, शंका करवे लालच करवे झूठ बोलवे और कहे कि भोजन तो होता है शनिचर के जो नो है 3 घंटा मंदिर पे जमा था, बस फर्क इतना हुआ कि पहले गाजा के बाद जमत रहा अब गाजा। ऐसे न हो अंदर से जो है मन वाणी कर्म से पवित्र हो गए ये न। देखे बाबा मजा तो आवा था सबकी, अब सोच ले कि जेके सुने में मजा आवा था समझे में मजा आवा था ओके जब जीवन में उतार ले तो कितना मजा आई और बात का अनुभव करके दे है ना। बड़ा अच्छा प्रसंग रहा ने, देखे खाली प्रसंग मत समझो, ये एकदम सीधा मन बाड़ी कर्म से चतुराई छोड़ के भजन करे तो फिर काम कहे कि यहाँ कोनो प्रयोजन तब रह नहीं कर। अब तक अगर ये इच्छा भी अगर एक प्रकट करें तो खंडित हो जाए सब, यही से अब निजी इच्छा के जगह नहीं सब लगावा था संसार में दिमाग की का कहबे इनका बुद्धिया की सब गलबा को बवा। लाल बिहारी भाई ऐसा बाणी बा कि इनका कोई मती मार दे बा, आपके लगता है इनका कोई मती मार दे बा जौने मती से, मती माने बुद्धि, जौने बुद्धि से जौने चरित्र से भक्त लोगन के अंदर जो है भगवान के भक्ति का प्रेरणा मिल ही जाता नहीं तो मरा बा जी ठीक है कोई बात नहीं कि समझे वाली बात बा। यानी कि एक अगर ही नहीं मरा बा तो जे कहता होकर मरा बा नहीं हाँ मैं तो व्याकुल कटकु अकिन घन नादा, अपनी भा प्रकट कहई दुर्बादा, अपनी भा प्रकट। अब देखो वो जितना बानर भालू बान सबके तो कैद कर ले बा पिजड़ा में, और प्रभु के भी नाग पास में बद गा बान, तब स्थिति कुछ ज्यादा भयंकर होगा ने नहीं। तो मेघनाथ इस प्रकार से सेना को बिल्कुल व्याकुल कर, और व्याकुल करने के बाद वह प्रकट हो गया, तब वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने, दुर्वचन मतलब हुआ गाली, जाने
तो इसने बगल में रहे सरजू भाई जाने, बगल में सरजू भाई रहे। यानी अगर जे पहले तो ही जानो कि जे गाली बकत हो वो जरूर राक्षस बा, काहे कि दुर्वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये ने तू जामवंती कह खल रहु ठाड़ा असुनी करिता ही क्रोध अति बाड़ा। अब वही जामवंत जी वो पिजरा में बंद नहीं करे सुनने बुढ़ा समझ के जाने, तो जामवंत जी कहते रे दुष्ट खड़ा रहो है? तो यह सुन करके उसे बड़ा क्रोध आया। ये पूरा बानर भालू के और श्री राम जी लक्ष्मण जी सबके जो है वो कर ले बा और वहां को बुढ़ा आ गया दुष्ट खड़ा तो क्रोध न आई है सरजू भाई। तो देखे अब तो तू अब मोह माया में ना सोच बे, और यहाँ बेचारे सब सोचत है कामना सबके सतावत हो तो सबके तो ही उद्धार कर बे ने, इतना दिन रामायण पढ़े बे तो फिर तोरे आते में तो कुल बा ई कह दिन रही है। इनका तो भाई अपन ऐसे ही पढ़ा बन काहे कि नीति तो यह बा कि अगर थोड़ा सा संकेत मिल गल कि कहीं से कोनो असुविधा बा तो शरीर रुकी, नीति का त्याग न हुई ना। ठीक या ने? तो मेघनाथ को बड़ा क्रोध आया कि अरे हम बुढ़ा जान के छोड़े हुए यमार का हुआ था इतना करके दिखा दे तब वो है नहीं। तो बूढ़े जानी सठे छाड़े उ तो ही अलागे सी अधम पचारे मोही। गुस्सा में आखे मेघनाथ कहता है बुढ़ा जान के तुम्हें छोड़ दिया था मूर्ख, तू मुझे ललकार रहा है। जाने जामवंत जी को मूर्ख कर रहा तो वस कही तरल त्रिशूल चलायो अजामवंत करे गही सोई धायो। ऐसा कह करके वह चमकता हुआ त्रिशूल चलाया जामवंत जी के ऊपर, यानी कहे कि जे कौन ले बा छः छः करोड़ के जो ना चेला बना ले बा कुल राक्षस भक्तन का खून पी पी के, तो नाने के पास कुछ अपन यह कुल गुंडा बायन ने मवाली। तो जैसे ही त्रिशूल चलाया तो जामवंत जी उस त्रिशूल को हाथ से पकड़ के उसी की तरफ दौड़े, जैसे दिन बाद डंडा लेकर के वह याद करो कहे कि रोल तो कर ही के पड़ी, अगर भगवान का सेवा करो चाहे चाहता है तो भाई रोल। तो मारी सी मेघनाद के छाती अपरा भूमि घुर मिते सुर घाती। और दौड़े और मेघनाथ के छाती पर दे मारे जने, और वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। और इतने नहीं, इतने से तय क्रोध करवे मोह का लड़का भगवान के सेवक के पास बहुत ताकत होला जाने। अपुनिरिसान गही चरण फिरायो अमही पछारी निजे बल देख रायो। इसके बाद उसका पैर पकड़ के घुमा के पटक देते हैं, कहते देख मेरा बल राक्षस कही कहा यह करे की पड़ी। ठीक ने? और वो कब हुई? जब मन प्रभु में पूरा दे देवे तब ही काम कर सका
और का पकड़े गए बा? अरे राक्षस वेश्यावृत्ति करने वाले सुअर के बच्चे, भगवान का सेवक कहलाते हो? जिसको चेला चाहिए वह कभी भगवान का सेवक नहीं हो सकता है। सब का सकल है, जब तू माया से मुक्त होबा तब बने दूसरे के कहे, और जब अपने माया में रहबे कहाँ से कहे? तो यह बल दिखलाई बा, और ये बल शरीर से दिखावे की जरूरत भाई। जब मुक्त रहबे तब बत कर सकल ने कहे कि आध्यात्मिक अवस्था में यद्यपि ये शरीर का कुछ लेना देना नहीं बा, ये खाली भक्तन के कल्याण बदे बा, लेकिन ये जौन बा कि भक्तन के जे खून पियता ओके जो ना वो भगवान शिव जी के जो ना नहीं सुहाता जनन है। कहे कि काल भुसुंडी जी जब ब्राह्मण देवता का अपमान उज्जैन में किए हैं, तो भगवान शिव जी के बाड़ी बा कि अब जनी करसी अभी प्रय अपमाना, अजन ही संत अनंत समाना। शिव जी कहे कि अब भूल करके भी ब्राह्मणों का अपमान मत करना, और संत को हमेशा अनंत के रूप में जानना। अनंत माने जो इच्छा से बाधा, तो है ना अनंत हो ही। जब बाधा बहु कहा से अनंत हो जाई, जब बाधा बहु देखे घेरा में आ जाई ने। और कुछ राक्षस आए थे गणेश जी के यहाँ और कहते ब्राह्मण है यार नहीं जाएंगे हम लोग, ऐसा कुछ बोल के चला गया। तो गणेश जी क्या भाग नहीं तो मरबो करब वही टोके, कुछ ऐसा हुआ ना। सब ब्राह्मण विरोधी हो गए हैं, और ब्राह्मण विरोधी वो भगवान शिव जी को कभी सुहाते मन बाड़ी कर्म से वो शिव जी का दास रहा है कर भुसुंडी, लेकिन उसको इतना बड़ा जो है संकेत दिए कि अब जनी कर सी भी प्रय अपमाना। तो चाहे कर भुसुंडी का चाहे तुम्हारा अड़गड़ा गड़गड़ा करे जो भी करे, और शिव जी को कभी भी सुहाएगा नहीं, ये जान लीजिए। ये सब सुअर बेसा के बच्चे हैं, कभी भी इनके सामने जो भी इनके साथ जुड़ा हो उसके साथ जुड़ने की जरूरत, कोई संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब राक्षस खून पी पी करके जो है किला चाहिए गाड़ी चाहिए, सब क्या ड्रामा मचा रखे हैं? ये सब साधु का कर्म, क्योंकि शिव जी को अच्छा नहीं लग रहा है, और ये शिव जी की प्रेरणा से शरीर चल रहा है नाथ। और जिसको इनकी बात अच्छा ना लगे वो भी अपना सूरत इनको कभी मत दिखाए, और अगर अच्छा लगे तो इन सबको त्याग कर दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है ये ने। और ये सब जहां से जो इतना बोला था नहीं कहो, ये आशीर्वाद हो, कहो आशीर्वाद, कहे कि शिव जी के यो चरित्र हो का प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। प्रचंड रूप हो लेते हैं जहां जरूरत पड़ी, सबको शंकर जी के एकदम सीधा समझाता जाने, एक एक कुत्ता भी आता तो सुसु करके निकल लेता ऐसे ही कुलवान ने। और प्रकृष्टम प्रगल्भम प्रचंडम प्रकृष्टम, प्रकृष्टम माने सर्वश्रेष्ठ, शिव जी से बड़ा कौन है? परेशम वही परमेश्वर है, और प्रगल्भम माने संपूर्ण ईश्वरी ऐश्वर्य से युक्त। तो कोई एकदम सीधा मत समझे, जब रुद्र रूप में आई है ना बताओ नहीं पूरा अब क्या कर मैं, जब उन्हीं के प्रेरणा से शरीर चला बा तो वैसे ही चरित्र तो हो ही। कहे कि यहाँ इन चली कि तू तू लूट हम लूटा था ही, लेकिन कोनो एक दूसरे के ऐसे ड्रामा थोड़ो बा। ठीक, तो देख ले
कैसा बल दिखाए जामवंत जी, हाँ तो ऐसे ही कार करो, यह के सेवा दे ओकरे बाद शरीर छोड़े। अब यही मत कहे कि महाराज हम सोचा थे ऐसे ही चलते फिरते हमारा शरीर छूट जाए, कुछ नहीं कुछ प्रभु के सेवा करके जा तब ने यह ने ऐसे कहा जाइबे। मूर्ख जन्म गवायो प्रभु के कछु काम न, तो फिर हाँ खाली 32 बीघा बनायो काम हुआ वाला, और प्रभु का काम करे बदे एकदम निश्चल हो के पड़ी, बिना निश्चलता के कहा करवे। जैसे देखा जोन भगवान के भक्ति के भाव बैठा था उकर आधार निश्चलते बने। राम जी भाई तो बर प्रसाद सो मरई न मारा जने, अब उसको वरदान से वो प्रताप मिला है, यानी वरदान के प्रताप से वो हमारे से भी पटक दे रहे तब भी नहीं मर रहा है। नहीं तो कामना इतना तगड़ा चीज हो, और वो बिना जो है कि लक्ष्मण जी के सेवक भाव श्री राम जी के भक्ति जब पक्का पक्का करबे ना तब तक कामना के जोन कहले कि नहीं गुरु कोशिश कहिला लेकिन वो आ जाला कभी कभी आ जाला, जने वैसे ही ऐसे क्योंकि वरदान मिला हो एकदम। तो वह सच्चा सेवक भाव ठीक, तब 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 गही पद लंका पर डारा, बुढ़ा समझ रहे हो तुम, पैर पकड़ के उठा के फेंक दिया लंका में चला गया। जामवंत जी इतना समझ लीजिए ताकत, रण क्षेत्र से पैर पकड़े जब पटक रहे हैं नहीं मर रहा ना तो उठा के लंका में, तनको आश्चर्य मत करे भगवान शिव जी के बाड़ी है, क्या कि प्रभु के प्रताप से कुछ भी दुर्लभ नहीं बा। और अभी तक जौन चरित्र बाड़ी देख ले है यही इतना 4 महीना में वो पूरा जो ना 5000 साल खंगाल लेबे कहीं मिले वाला, क्या कि प्रभु के प्रताप से कुछ भी संभव असंभव नहीं बा, सब कुछ संभव जने। देखा चिंता मत करो, क्या है कि का भाने कि कोई एक कोढ़ी आदमी रह जाने ओके ही बा, देखा एकदम पवित्र भाव से पूरा विश्वास के साथ भागवत गीता सुनो और पूरा विश्वास करे रहे तो तुम्हार कोढ़ जो खत्म हो जाई। वो अपन लगाए स्वागत कि ठीक बा गुरु अब पूरा विश्वास के साथ सुनब, क्या कि सब कोढ़िया कोढ़िया कहला हम ठीक लगत। सुनत 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 जब प्रसंग आयल कि भीम हाथी का सूंड पकड़ के ऐसा घुमा के फेंके कि आकाश में चला गया फिर लौटा नहीं, वो कदम नहीं गुरु ये तो हो नहीं सका, वहा तो हो ही जा तू मैंने होकर वहा जो वहा होकर जो धीरज रहा वो छूट गया। तो चूंकि प्रभु का ऐसा लीला बान है कि हमें अब भगवान शिव जी से बड़ा के बा, ये तो प्रकृति में जो बहुत बड़ा बड़ा देखा था इंद्र माने कुत्ता है, कहे कि आदमी एकदम पूरा ममता के बस में बा एकदम अनियरिया में न तो के तो समझ में आवत नहीं बा। ऐसे अब जैसे यहाँ बुढ़ा जामवंत जो है इतना अगर दम तो देखो वहां अंदर से अगर अपन जब बुद्धि लगा ले जान ले जोन भी जीव धरती पर यहां से बाड़ी सुने के बाद अगर अपन बुद्धि लगा ले वो कभी भव सागर पार, बुद्धि जब तक पवित्र कर बना तब तक का लगेबे, इतना तो समझ में आवा ताकि अगर बुद्धि के अगर बाधे बा इच्छा से तो निश्चित बा कि एक निश्चित सीमा में ही सोच सकला ऐसे ऊपर ठीक ना, तो इच्छा से मुक्त हो ही पड़ी बतावे, इच्छा से मुक्त कोई हो मतलब निजी इच्छा से
बाकी भगवान के कृपा से जो कर्म होता और ओकरे बदे पॉलीग्राफ टेस्ट चली जाने, वैसे नहीं कि बच्चा हम तो मुक्त है बच्चा, ये बच्चा बच्चा करे से काम। हाँ ये ने इतना बड़ा जो है जामवंत जी बल दिखाए बहन, तो ये काम करके छोड़ दे शरीर की, पहले ही छोड़ दे। आप जाने हाँ, आपका जाने, आप तो खुद बता दे हैं। अब सीधा सीधा बात बा कि जब पूरा भ्रम त्याग करके भजन करबे तो एक प्रमाण हो जाए, तभी कोई ना कहीं कह के देखिए सरजू भाई है, उनको अब कोई भ्रम नहीं है। लेकिन अगर अन्य देवता के देवी के माई के देख करके जब नतिन के चिल्लाते रहे तब कहाँ से प्रमाण है, पहले बनावा अपने आप को लायक। ठीक हो, जितना प्रेरणा मिला बा उतना अवसर बा बना सको ले। हाँ अब भगवान के साथ एक बात भी कपट करे तो भाई उसमें कोई क्या करे। ठीक तो यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो राम समीप सपदिसो आयो। याने नारद जी के पता है कि सब प्रभु का लीला, वो जा करके तुरंत जो है गरुड़ जी को भेजे याने, और वे तुरंत राम जी के पास आ, ये कुल लीला हो। अब ऐसे समझ ले, देखो अरे यार के, ये माने हाँ अभी समझ ले, ऐसे ही देख ले, क्या कि कुल उदाहरण दे रहे ने। अब प्रभु बायन अकेले एक बायन उ तो जितना कुल दिखाता कुल उन्ही से बा जने, जैसे कुछ ओले बायन ऐसे में एक धागा हो कुछ हो एकर कोनो दी बा, एक तुरंत एमए के जौन भी धागा बा एक कहीं पहुंचे में कितना समय लगी, जब उसको ओढ़ले बायन ठीक न, यहाँ से यहाँ पहुंचे में वो कहाँ समय लगी। तो ऐसे समझते हुए कि वहाँ तुरंत जो है कि गरुड़ जी भी चले आए, क्या कि प्रकृति होने ही पर आश्रित बा। तो खगपति सब धरी खाए अमाया नाग बरूत अमाया विगत भय सब हर से बानर जूत। तब पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़ कर खा, काल से लेके जने महाकाल देवी देवता गरुड़ ब्रह्मा विष्णु शंकर जी जितना जीव चर अचर ये कुल प्रभु के ही सहयोग से चलत, बिना आत्मा के कोई चले वाला तो सब उन्हीं का सेवक बहन की नहीं, जकरे सहारे चलबे ओकर मालिक बन जाइबे। देखो ऐसे ही कुल धामा मचा हुआ। तब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हो याने हर्षित हो गए ना भाई, और इतने नहीं जब हर्षित हो गए तो जितना माया करे रहा बाण ओढ़ कर न वो प्रभु के समझ ले कि जगते जो है सब समाप्त हो गया। तो सुना भी है हर्ष के साथ बाड़ी के दे दे इतना विराम, मेघनाथ के फेंकी देवा लंका में तो सीधी बात बा कि एकदम माया के माया जानो और माया प्रभु का दासी हो और भक्ति प्रभु का प्रेमिका।
भक्ति के साथ में रहबे तो वो प्रभु के पास पहुंचा दे। लेकिन दासी के एक सीमा हो, दासी प्रभु के पास तक तो नहीं जा सकत ने, ठीक ने। तो इसी बाड़ी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अहर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।